हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। टुडे वी विल रीड द चैप्टर 8 इन हिस्ट्री एंड दैट इज द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यास। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम पहले भी ले चुके हैं हिस्ट्री के चैप्टर्स में कि जो फर्स्ट एम्पायर था मौर्यास का था एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एम्पायर। सो लेट अस स्टार्ट। द शॉक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द स्पार्क दैट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पर इन्वेशन की आक्रमण किया तो उस टाइम जो शॉक था, क्योंकि ये आक्रमण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बहुत बड़े लेवल पर किया गया था और जिसने इंडिया को एक कर दिया था, एक सूत्र में बांध दिया था। एंड इन 322 BC शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ इन 323 BC अ न्यू एरा बिगन इन इंडिया। और 323 में जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी, उसके बाद भारत में नई युग की शुरुआत हुई थी। इन दैट ईयर चंद्रगुप्त मौर्य सीज द स्टेट ऑफ मगध इन द गंगा वैली। चंद्रगुप्त मौर्य ने गंगा वैली में मगध साम्राज्य को सीज किया, उस पर अपना आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य किया। ओवर द नेक्स्ट 24 ईयर्स चंद्रगुप्ता मौर्य कॉन्कर नदर्न इंडिया एंड फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी एंड मौर्यन एम्पायर। और अगले 24 सालों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने नदर्न इंडिया के उत्तरी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे भागों में अपना आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमाया और एक मौर्य साम्राज्य और मौर्य वंश की स्थापना की। नाउ ये तो था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नाउ फ्रॉम द 4th century BC मगध अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ द मौर्यास ग्रू फ्रॉम ए किंगडम इन टू एम्पायर द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट वॉज कॉल्ड एन एम्पायर बिकॉज इट वॉज मच लार्जर दैन अ किंगडम एंड वॉज स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया। द मौर्यास कंट्रोल मोर लैंड एंड दैन एनी प्रीवियस रूलर्स बाय डिनेस्टी। यानी कि मौर्यास की लीडरशिप में मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना। पहले किंगडम था, किंगडम से ही एम्पायर बना जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला एम्पायर था। इसको एम्पायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी सभी राज्यों से बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ी लैंड पर, ज़मीन तक काफ़ी दूरी तक ये फैला हुआ था। और मौर्यास के अलावा ऐसा कोई और वंश नहीं था, केवल एक मौर्यास ही ऐसा वंश था। मौर्य डायनेस्टी ऐसा एक डायनेस्टी थी जिन्होंने इतने बड़े लैंड पर शासन किया, रूल किया। और इस डायनेस्टी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं? चंद्रगुप्त, बिंदुसारा एंड अशोका। अब है सोर्सेज मटेरियल, मीन्स कहाँ से इनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है, क्या क्या सोर्सेज हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्ता, हिज एम्पायर एंड अदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आर फाउंड इन बुक इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीस द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। यानी कि चंद्रगुप्ता के दरबार में मेगास्थनीस नाम का एक व्यक्ति था जो कि सेल्यूकस के राजदूत था, सेल्यूकस नाम का एक राजा था, उसका एम्बेसडर था, ठीक है। और जो अलेक्जेंडर था वो मकदोनिया का राजा था। तो मेगास्थनीस ने बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें कि क्या लिखा गया था, मौर्य एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्ता के बारे में, उसके एम्पायर के बारे में और जितनी भी उस टाइम पर पॉलिटिकल लाइफ थी, लोगों की सोसाइटी थी, इन सब के बारे में उसमें लिखा गया। इसके अलावा अनादर बुक इन संस्कृत, दूसरी बुक संस्कृत में थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र और लिखी थी किसने, चाणक्य ने, उनको कौटिल्य भी कहा जाता है। और इस बुक में भी मौर्य साम्राज्य के टाइम के जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स थे, इकोनॉमी थी, मिलिट्री थी, उन सब के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इन 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग धनानंदा एंड सीज द थ्रोन ऑफ मगध। अब थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट जो नंद किंग थे, नंद डिनेस्टी थी, नंद वंश था, तो उसके आखिरी जो शासक थे, राजा थे धननंद, उनको हराकर मगध के सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया था, अपना आधिपत्य कर लिया था। देखिए, एक विष्णुगुप्त के बारे में, चाणक्य के बारे में अमेजिंग फैक्ट है कि चाणक्य का रियल नेम विष्णुगुप्त था, ठीक है। तो एक बार राजा धननंद के दरबार में उनकी इंसल्ट हो गई थी, धननंद ने उनको इंसल्ट किया था, तो चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने की शपथ ली थी, कसम खाई थी। चाणक्य वाज अ टीचर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन। अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस टाइम जो चाणक्य थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे। बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य के गाइड और मेंटर दोनों बन गए और नंद वंश को उखाड़ फेंका। चाणक्य आल्सो नोन एज कौटिल्य, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन गवर्नेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। और उन्हीं के गाइडेंस में
चंद्रगुप्ता ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अभी अभी हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी गई थी। नाउ चाणक्य रोट अ बुक अर्थशास्त्र विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के समय की जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम के जो राजा थे, उन सब के बारे में लिखा गया है। लीजेंड हैज इट दैट चाणक्य वाज थ्रोन आउट बाय द नंद किंग वेयर अपॉन ही स्वोर रिवेंज। तो हमारे जो भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बताया हमें कि जो चाणक्य का अपमान एक बार नंद वंश के दरबार में कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने उनसे बदला लेने की ठान ली थी। तो मगध में क्या हुआ, चाणक्य ने एक बार एक यंग बॉय से मिले जिसका नाम चंद्रगुप्त था, और ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द यंग बॉय एंड देयर आफ्टर टुक हिम अंडर हिज विंग। बाद में चंद्रगुप्ता से मिलकर वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए और उनको लगा कि ये लड़का जो है मेरी हेल्प कर सकता है धनानंद को हराने में। बाद में उन्होंने चाणक्य को अपने अंडर में लेकर, अपनी गार्जियनशिप में लेकर उसको ट्रेंड किया। चाणक्य ट्रेंड चंद्रगुप्ता अंडर हिज एक्सपर्ट गाइडेंस एंड देयर टुगेदर प्लान्ड द कॉन्क्विस्ट ऑफ द नंद एम्पायर। चाणक्य ने उनको ट्रेंड किया, अच्छी अच्छी नॉलेज दी, शिक्षा दी, एजुकेशन दी, उनको वॉर में एक अच्छा सोल्जर भी बनाया, लड़ाई लड़ना सिखाया। तो उन्होंने बाद में दोनों ने मिलकर नंद वंश पर आक्रमण करने की योजना बनाई, प्लान किया। चंद्रगुप्ता फर्स्ट कॉन्कर्ड मगध, नेक्स्ट ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर अ जनरल ऑफ द ग्रीक किंग एलेक्जेंडर। देर आफ्टर ही ट्राई टू स्ट्रेंथन हिज कंट्रोल ओवर अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध पर अपना आक्रमण किया, उसको अपने आधिपत्य में लिया। इसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर जो मकदूनिया के राजा थे, ग्रीक राजा थे, उनके जनरल को हराया जिसका नाम सेल्यूकस था। उसके बाद इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के और भी अदर पार्ट्स पर क्या किया, अपना कंट्रोल कर लिया। अब अलेक्जेंडर के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। टू अलेक्जेंडर इंडिया मार्क द एंड ऑफ द नोन वर्ल्ड एंड ही वॉन्टेड टू गो ऑन बट हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। अलेक्जेंडर इंडिया पर जब उसने आक्रमण किया तो वो और आगे जाना चाहता था और उस पर अपना आक्रमण करके उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, लेकिन उसके सोल्जर्स ने आगे जाने से मना कर दिया। अब अलेक्जेंडर का जो हॉर्स था उसका नाम था बसुफेलस, वो उसी पर बैठकर क्या करता था, लड़ाइयाँ लड़ता था। तो बसुफेलस भी क्या हुआ, राजा पौरस के साथ, भारत का राजा था पौरस, तो उनके साथ युद्ध करते हुए उसका घोड़ा मारा गया। आगे है बिंदुसारा। चंद्रगुप्ता वाज सक्सेटेड बाय हिज सन बिंदुसारा। बिंदुसारा रूल्ड फ्रॉम 297 टू 273 BC। एन एबल सन ऑफ एन एबल फादर ही सेट टू हैव कॉन्कर्ड 16 स्टेट एंड एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर ग्रेटली। चंद्रगुप्त का जो बेटा था बिंदुसार, तो उनके बाद उन्होंने ही मगध पर अपना साम्राज्य किया, अपना शासन किया, और वो भी अपने पिता की तरह एक योग्य बेटा था अपने योग्य पिता का, और उन्हीं की तरह, उन्हीं के पदचिन्ह पर चलते हुए उसने क्या किया, दूसरे 16 राज्यों को अपने कंट्रोल में किया, उन पर आक्रमण करके उनको अपने आधिपत्य में लिया और मौर्य साम्राज्य को, जो कि ऑलरेडी बहुत ग्रेट एम्पायर था, उसको और आगे बढ़ाया। अब है अशोका द ग्रेट, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू हैव टू रीड दिस चैप्टर।